तेरे खावन को फौत हो कितना अरसा हो गया? उससे 28 साल हो गए। ये जो हमारा बेटा आसा ने ना 2 साल दा आसा पीऊ को रे 2 साल दा मुझ में तो ना सुना लिया मुझ में तो ना यकीन मनु कॉल छतरी ना ते बारिश लगी जो ते थ मदरसे बीच में इसको आना ने उस तमुल खान दे पले प्लेटा खा ए न से जे उठ ठर सी आप में से जे कोली दी मुड़ के जुलन मकिंगो मने ते मकिंगो बचा हाई मकिंगो बीच कुड़े कुत्ते ना इसको खाव उसको ना लाना ने तो कारो उस तो पला भावन ने उसको इथान के मदरसे भी छोड़ा ने फिर जिस वक्त छुट्टी हो गई फिर कहन के जुला ने मुझ मेहनत करके मच बड़ो सी मरा जरिया बन सी बड़ो के तो बस मरा ही जरिया बने नहीं कि मैं के दस जी बस मैं हूँ तो सब के आ मारिया पिटे को मुझे नहीं गंदिया गल आखिया ने मुझे गंदिया गल आखिया जो बर्दाश्त बाहर रही कितनी बारी मुके गल साखी तू ब्याह की ना कर दिया सी ब्याह करे मैं आख मैं ब्याह ना कर दिया सी मरिया चार बच्चिया सी एक तू आ मैं काम कर दिया सी मैं ब्याज के जरूरी आ सी तो मैं आख मैं की करा मरिया बच्चे नहीं खाता तुसी शादी नहीं ना जी मैं कदे बच्चे ना भी होवन ना तो मैं बच्चा ना करा दूई शादी शर्मा की गल देखो ना मुझे याद ही गल नहीं मतलब आसिया ही अला मुख बच्चिया भी मुक अला उम्र पिछु मुझे मुझे पिछु अला दीतिया सी नहीं 16 साल 18 साल बाद मुकला बड़ी उसके पीछे 2 बेटियां और अल्लाह चाह दी थी तो फिर अल्लाह अखीरा तो बेटा देता ये 2 साल दो ये पे ही फोटो गया ते भी गरीब आ सी पर इज्जत बिच रखिया इज्जत बिच रखिए बिल्कुल अंदर रहा माल रखिए आप ये रखिए बाडियां गोए सटे नु साफ ही सटे मड़ खुल नहीं करा लिए इज्जत बिच रखा मैं दर पदार हो गई दर हो गया फिर हूँ कोई यार नहीं फिर मकान अपना हो गया नहीं ना मुके साला का पता हो गया खैर गालियाँ कड़िया बेइज्जत करिया जो करिया मकान मड़े को हो गया मैं जुलू उठा बैठी नहीं होवा मैं कसटा कसटा काम करा मजूरी करा मंगा आण बैठ के खावा बड़े हूँ मड़ी जा नहीं कि मैं जिथा बैठ के तुम कस दी अपनी इज्जत बिच जिंदगी गुजारा पता नहीं जिंदगी का भी इंसान कुछ नहीं पता बड़े दर पदारी में हूँ ठोकरी खा मुझोखी जिंदगी मड़ी मुझोखी जिंदगी जिन्ना सी जिंदगी पहले उम्री बिच अच्छी गुजारी इस उम्री बिच में गिला शिकवा है कि मायूसी ना उम्मीदी है बस ये बुच वारी आखिए ना पहले तो मेरा पुत्र आखते तू मर्दी ने तू मर्दी की ने मैं आखिर में तो ना मर्दी कि देखो अल्लाह आखिर कैंसी सा कैंसी ना सा उस देते उसके ना जो कि देते अल्लाह दा वाद है वरी जिस वक्त अल्लाह दा हुकुम आसी उस वेले मर सा हजैर कहन के मर मा की जैर कहन के मरा मैं अल्लाह दी चोर हूँ मैं गुनागार हूँ अँ भी असं लोग गरीब गुजरे गरीबा लोगों का तो संग पते अगले जान जोगे इतना कुछ नहीं खा रहा क्या कुछ भी नहीं खा रहा क्या आऊ 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 टेढ़ा जोगे कि टेढ़ मंग दे एक उतू जहर खा के भी अपनी मौत आराम करो जदू अल्लाह मार सी उस वाले मरसा तुम निके निके आ सो टाइम गुजरिया रोटी खा दी तो हूँ तुम बड़े हो तुम अपनी तियाँ ब्याई दी अपने घर तीन तू ब्याह छोड़िए तू अपने घर तीन मुख जितने तानू माड़ी जिंदगी अल्लाह सो माड़ी बधाई दी है इतने तानू रोजी भी वो देसी भावें थोड़ी देसी मुझ देसी कस जी तो बस उस वेले तानू तो मैं जी सा पुत्र मैं जहर खा के जिंदगी तो मैं तंग हाँ कि मैं आखनी इसको जिंदगी करो मौत बेहतर है पर वो तो हम जिस वक्त टाइम आ सी उस मौत उसी आपने हाथों से नहीं जी बस ये गुजर
मैं हूँ आपको चौधरी मुलाकात के लिए इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट मानसरा के नवाही इलाके बैरकोट के मकाम पर मौजूद। मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल उमर अम्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जिसका ताल्लुक बैरकोट से है और ये दुख भरी दास्तान दुख भरी कहानी है खाला अम्मा जी की। इन्होंने अपने बेटे की शादी कराई और मकान को गिरवी रखा 2 लाख रुपये में और बेटा जो कि शादी करने के बाद अपनी बीवी को लेकर अकेला छोड़कर कर चला गया, जो कि मकान इनका 2 लाख रुपया लेकर रेंट किया गया जो कि शादी की, लेकिन अभी मकान खाला के पास मकान नहीं है और ये अम्मा जी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कभी किसी तुसा के माजरा के वाकया पेश आया कि तुसा का मकान नहीं हो तो सी बार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बस यही जो है कि अँ तो मजदूरी कर दिया सी, अपना टाइम गुजार दिया सी, मेरे बेटे की शादी कराई कि वो न छोड़दा सा, शादी कराई तो रेंट देता मकान पैसे कोल ना से पैसे दे सा ते ता वो मकान देसी ते मरी हूँ जा कर भी नहीं कस को रहा कितना रहा कोई जा नहीं कभी कस कर रात दो कभी कस कर परेशानी है। अमन जी कितना अरसा हो गया तुसी करो पारो मरी ते पुत्रा साल डेढ़ साल खुल भी तो हो गए डेढ़ साल हो गए जी। उस जिस बंदे को मकान रखे थे उसको 2 लाख रुपये कह दिया जी, 2 लाख थे 24,000 24,000 जी एक किस्म का बाद बिच कह दे उस मकान जो बंदा रह रहे जी बिच रहे दे। जी वो बिच रहे दे। तुसी इस 1.5 साल दे ऐसे भी कैसे जिंदगी बसर की थी, कैसे रह रहे हो, कोई रिहायश कोई है, मुस्तकिल मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, मुस्तकबिल ना रही कदी एक चीज दे कार करी दूसरी चीज दे कार कदी कसा दे कार कदी कसा दे कार मुस्तकबिल को मरी जाना से मैं कस को रहे वहाँ बस और भी टीव को रही दिया भरी टीव को मुझे जान औखी लगती है, एक ही कमरे होंगे उन्हें भी बच्चे निके निके तो मुझे जान मुझ मंजी लगती है मुझे औखी हो कोई जाच गई नहीं। अब जी तुसा रमजान शरीफ के साथ गुजरे आज सही सहरी अफतारी वगैरह करा के खा पी मैं पुत्रा कुछ नहीं कर रखती मेरी बापा जी के मैं आटा ना गुनाती या ज्यादा काम ना कर रखती वो बेटी कर दी रही है वो ही कर दी रही है उसी की थे आटा कुर कदी कदी ऐसे किया था नाल गुडे ने एक किया था नाल कसवेली गुडे और कपड़े ना तो आती औखी हो कपड़े उसी धोते बेटी सो जिस कसा को रही है कस नहीं की कपड़े धोते थे बस पुत्रा रहना जी जा नीत रहना जी जा होगा तो जो बंदा फिर भी कुछ ना कुछ और साल कर दे फिर भी चंगा बंदा आपा जो भी टेढ़ा जो भी करना पैंता है कुछ कर ही कहें बंदा बड़े जा नहीं तो कुछ भी नहीं पराए कार तो पता पे ही कार हो गए उतना भी डर लग गया उतना भी कोई कुछ नहीं भी ना हो गया परेशानी है दो कराची बिच माड़ी बिच जिसको कराची उठे ही जी जी शादी भी उठे ही की थी उठे ही गए वो फिर मुड़ के नहीं आया। खावन को फोत हो कितना उसके 28 साल हो गए जोड़ा माड़ा बेटा सन इन्हें 2 साल पीव को रहे 2 साल मुझ मेहनत न संभालिया मुझ मेहनत न यकीन मनो कोल छतरी ना तो बारिश लगी जो तेरे मदरसे बिच मैं सुखाना नहीं उस मुल खां पले प्लेटा खां ये नसे जे उठा ठरसी आप में से जी कोले जी मुड़ के जुलाने मकेंगा मैंने तो मकेंगा बिचा हाँ ये मकेंगा बिच कुड़े कुत्ते ना इसको खाऊ उसको नाल आना नहीं तो कारो उस तो पला बामा ने उसको इथान के मंदिर से भी छोड़ा नहीं फिर जिस वक्त छुट्टी हो गए फिर कहन के जुला नहीं मुझ मेहनत करके मच बड़ो सी मड़ा जरिया बन सी बड़ो के तो बस मड़ा ही जरिया बने नहीं कि मैं के दस जी बस मैं हूँ तो सब क्या मारिया पिटे नहीं कोलिया मुझे नहीं गंदिया गल आखिया नहीं मुझे गंदिया गल आखिया जो बर्दाश्त बाहर कितनी बारी मुके गल साखिए तू ब्याह की ना कर दिया सी ब्याह कर मैं आखिर मैं ब्याह ना कर दिया सी मरिया 4 बच्चियां सी सुबह से मैं काम कर दिया सी मैं ब्याह के जरूरी है तो मैं की करा गलां मंदियां ब्याह करके बच्चों को दुआ खावन तो प्यार नहीं जी जी
18 سالاں بعد مکلا بڑی بیٹی دیتی اس کو پیچھا دو بیٹیاں اور اللہ چاہ دیتی फिर अल आखिर बेटा दिता दो साल फोत हो गया ते भी गरीब आने इज्जत बच्च रखे इज्जत बच्च रखे बिल्कुल अंदर रहा माल रखे आप ये रखे बन गोए सटे साफ ही सटे मड़ खुल नहीं करा ले इज्जत बच्च रखे वो फोत हो तो बस मैं दर हो गया दर हो गया फिर हूँ कोई याद नहीं फिर मकान अपना हो गया नहीं ना मुके साल का पता हो गया फिर गालियाँ कड़िया बेजत कर जो कर मकान मेरे को हो गया मैं जुलू उठा बैठी रही हूँ मैं कसा कसा का काम करा मजूरी करा मंगा आन के बैठ के खावा वरी हूँ मेरी जा नहीं कि मैं जिथा बैठ के तुम कस दी अपनी इज्जत बिच जिंदगी गुजारा पता नहीं जिंदगी का भी इंसान को तो नहीं पता वरी दर पदारी में हूँ ठोकरी खानी है मुझे ओखी जिंदगी मड़ी मुझे ओखी जिंदगी ए जिन्ना सी जिंदगी पेजे उम्र बिच अच्छी गुजारी इस उम्र बिच में जिंदगी को लोग गिला शिकवा है कि मायूसी ना उम्मीदी है बस ये मुझे वार आखे ना पहले तो मेरा पुत्र आते तू मर्दी ने तू मर्दी की ने मैं आखिर में तो ना मर्दी कि देखो अल्लाह आखिर कैंसी सा कैंसी ना सा उस देते उसके ना जोगी देते अल्लाह का वाद है वरी जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आसी उस वेले मरसा हजैर कहन के मर मक्की जैर कहन के मरा मैं अल्लाह की चोर हाँ मैं गुनागार हाँ अँ भी असं लोग गरीब गुजरे हैं गरीब लोगों का तुसन पता है अगले जान जोगे इतना कुछ नहीं खा रखा कुछ भी नहीं खा रखे आऊ 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 टेढ़ा जोगे कि टेढ़ मंग दे एक उतू जहर खा के भी अपनी मौत आराम करो जो अल्लाह मारसी उस वेले मरसा तुसी निके निके आसे हो टाइम गुजरिया रोटी खा ली ते हूँ तुसी बड़े हो तुसी अपनी धियां ब्याई दी अपने घर से तू ब्याह छोड़िए तू अपने घर से मुख जितने तानू माड़ी जिंदगी अल्लाह सो माड़ी बधाई दी है इतने तानू रोजी भी वो देसी भावें थोड़ी देसी मुझ देसी कस जी ते बस उस वेले तानू ते मैं जी सा पुत्र मैं जहर खा के ना मर गई जिस वेले शुरू हो गया छकोल नंगना तो उस वेले मैं तुसन दसा कि बस गंदी गल आखे ने जी बर्दाश्त बार होवे तो मैं कसम जा के राखी फर्जी रोज़ा रखते ने आम यूजों बच्चे ने कि मैं पेशी की नमाज जिथे भी हुई तो मैं पढ़ सक मैं कसम जा के आ जाए मैं उतना कसा बंदे को 20,000 रुपया कह के कर्जा में आई जो 12,000 असं दो सीटों का दो टिकट होने 8,000 मेरे को बचा सर जरा मैं कोई उठू टेशन तानू जुड़ना था 800 रुपया किराया लग गया तो फिर 800 उठू मन शुरू फिर अगर माड़ी तानू फिर लग गया नहीं तो बकाया जुड़िया से तू मैं अपनी बची दे घर हसियाँ शर्म आता सा कभी जितने तानू मेरे को 500-600 रुपया रे दस तो कुछ ना कुछ करती रही और कुछ भी नहीं तो हूँ मजबूर आने तो पिछे थां तो इन्हें सुन सौदा दीते तो उठा खड़े जुलो कुछ थोड़ा जहा मड़ा असर हो गया कि उनका भी खानी है तो जो नाल मड़ा भी है बस पुत्रा ये जिंदगी है जिंदगी तो मैं तंगा कि मैं आखती हूँ जिंदगी को मौत बेहतर है वो तो हम जिस वक्त टाइम आसी उस मौत उसी अपने हाथों तो नहीं जी असी अपने घर उसने पता इज्जत अपने अंदर होंगी बाहर पावे इंसान कोई जी जी कर दे जार जार कर दे इज्जत नहीं इज्जत नहीं इतना हो कि मैं अपनी बुई अंदर होवं जिसलिए मैं कुरी टाइम मिले अपनी नमाज पढ़ा अपना सबक पढ़ा अलग याद करा हूँ इस वे को बारह जोगी ना रही
टेठियां ते नाड़ियां दा मसला भी है, त्रै आड़ियां करे किन्ने, फिर ये बाहें ते ये बाह भज्जी ने ते इस दा भी मसले ने, ये मुठ्ठी नहीं मिलती, हादसे का नहीं आता, इस दा भी हिसाब किताब बोलते हैं। और बड़ी बस एक अपनी जाओगे छे पुत्र, बस अपनी जाओगे छे, मैं फिर मैं आखती हाँ मैं मेरे को जितनी दवाइयां होंगे तो मितियां ही दवाइया इन शाह ला 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 सी जी। अम्मा जी जिनकी उम्र कम है, पैसे जो है 60 साल है, और ये अपने घर जो है घर बार जो है गिरवी रखने की वजह से अपनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, जो कि बेटे की शादी कराने की वजह से इन्होंने घर को गिरवी रखा और 2 लाख रुपए के एवज इन्होंने घर जहाँ पर गिरवी रखा, ये अपनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है 1.5 साल से, और उसका घर नहीं है। और रमज़ान शरीफ के महीने भी कभी किसी बेटी के यहाँ कभी किसी बेटी के यहाँ जिंदगी बसर कर रही है बेसर और सबानी की हालत में, और रमज़ान शरीफ इन्होंने जो है बार गुजारा। तो अम्मा जी का हमने बातें सुनी, आप तक हमने पहुँचाई, उम्मीद करते हैं जो दर्द दिल रखने वाले, दर्द इंसानियत वाले और ख़िदमत खल्क वाले मुखीर हजरात से हम अपील करते हैं कि इस रमबा रमज़ान हमारे श्याम के सदके इस अम्मा जी के साथ ज़रूर तावन करें। इन अम्मा जी का कॉन्टेक्ट नंबर रबता नंबर भी है आपको देंगे, और डायरेक्ट अम्मा जी से मिलना चाहते हैं, अम्मा जी से मिलकर इनका जो घर का जो मसला है, जो दरीना मसला था कि इनके घर को वापस दिलाया जाए, ताकि अपने घर वापस जाकर अपनी जो अपनी ज़िंदगी को ऐसी खुशी गुजार सके, और इबादत करके आपको और आपके दुआओं को अपने याद रख सके। और ऐसे अम्मा जी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर तावन करें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत संवर सके। मुझे दीजिए ज़्यादा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।